हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने प्ले स्टोर आईडी के कंट्री को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपने प्ले स्टोर को ओपन। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है ऊपर साइड में जो प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। अब जैसे दोस्तों मैंने इस प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेटिंग पर क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जनरल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो है अकाउंट एंड डिवाइस परफॉर्मेंस पर कर देता हूँ क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मेरी प्ले स्टोर की आईडी पर ये जो कंट्री सेलेक्ट है वो इंडिया नहीं है बल्कि कोई अदर कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मुझे इंडिया कंट्री सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्विच टू इंडिया कंट्री। अब दोस्तों मुझे क्या करना होगा, अपने इस प्ले स्टोर की आईडी पर इंडिया कंट्री को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसको स्विच करना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी प्ले स्टोर की आईडी पर इंडिया कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं सीधे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको सारा कुछ लाइव रिकॉर्डिंग करके इंडिया कंट्री सिलेक्ट करके दिखाता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में इंडिया कंट्री को सिलेक्ट करने के लिए या फिर यहाँ पर स्विच करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आ जाना है बैक। अब जब दोस्तों यहां से आप लोग बैक आ जाएंगे, आपको फिर से इसी प्रोफाइल वाले लोगों पर क्लिक करना है। देन आपको अब यहां पर क्या करना है, ये जो पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, पेमेंट मेथड, सब्सक्रिप्शन, बग हिस्ट्री एंड रिडम कोड का। दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये थोड़ी देर प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर पेमेंट सेटिंग का, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों फिर से थोड़ी देर लोड लेगा, उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा लोडिंग ले रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आ गया है। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो नीचे साइड में लिखा हुआ है ऐड अ पेमेंट मेथड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड अ पेमेंट मेथड। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसी ऐड अ पेमेंट मेथड पर कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर को डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते दोस्तों, सिर्फ आपको एड्रेस चेंज करना है या फिर कंट्री को चेंज करना है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी कंट्री को चेंज करने के लिए जो बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है। अब जब दोस्तों आप लोग यहां पर बिलिंग एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है आपके सामने बहुत सारे कंट्री के नेम आ जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, यहां पर मैं आपको इंडिया वाले पर क्लिक करता हूं, यहां पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं कर देता हूं इंडिया पर क्लिक। उसके बाद दोस्तों यहां पर अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो है हमारे सामने बहुत सारे कंट्री आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया था वो ऑलरेडी हमारा जो है यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट हो गया था। तो दोस्तों हो सकता है यहाँ पर जो है आपका दूसरा कंट्री सेलेक्ट हो, तो यहाँ पर आपको इंडिया कंट्री सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से आपको सर्च कर लेना है कि इंडिया कहाँ पर है और यहाँ से आपको जो है यहाँ से आपको इसको डन कर इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेना है डन। तो यहाँ पर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रहा इंडिया। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसी पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर जो आपका जो प्ले स्टोर की आईडी होगी उस पर जो है ये इंडिया कंट्री आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इंडिया कंट्री सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर और एड्रेस देना चाहते हैं जैसे कि सिटी या फिर जिप कोड या फिर स्टेट यहाँ पर, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते, आप सिर्फ कंट्री का नेम ही डालना चाहते तो आप इतना लिख करके यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। जैसे यहाँ से सेव करेंगे दोस्तों आपकी जो प्ले स्टोर की आईडी होगी उस पर इंडिया कंट्री आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्ले स्टोर की आईडी में इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।